वाह दादाजी, माइंड ब्लोइंग डेकोरेशन है। वाह क्या सोसाइटी सजाई है, जबरदस्त तैयारी की आपने तो है। हर बार हमें लगता है कि टप्पू सेना से बेहतर कोई कर नहीं सकता, लेकिन चाचा जी आपने तो कमाल कर दिया भाई। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, इन कपड़ों में तुम सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू बापू जी, थैंक यू। ओए 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 ओए, मर जावा घोड़े खा गए। ओ कितने सोने लग रहे हो तुसी सारे। थैंक यू। अरे भाई गोकुल धाम की महिलाओं, हम गरीबों पे कुछ रहम करो भाई, इतनी खूबसूरती हमारी आंखों से एक साथ बर्दाश्त नहीं होगी। वैसे आप सब भी बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे नहीं नहीं बबीता जी, आप लोगों की खूबसूरती के सामने हम तो पानी कम चाय लग रहे हैं। तो है। तुम सब लोगों को एक साथ देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। चलो अभी कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भागा बावरे, आप लोग बापूजी बुलाएंगे तो मैं आना ही पड़ेगा ना। वाह वाह बापूजी, आपने अच्छा किया। अरे इनको आमंत्रण देने का मुझे याद था लेकिन मैं भूल गया। गुड इवनिंग। बस बस बावरी, गुड इवनिंग तक ठीक है, उसके आगे हेठा फेठा घेटा ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ओके जेठालाल जी। भागा ये कौन है? क्या सेठ जी आप भी, ये बावरी जी है। वो क्या है सेठ जी, आते आते आपका नाम मैं बावरी जी को रटाते रटाते आया हूँ। आज 2017 को विदा करने और 2018 का स्वागत करने के आयोजन में मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, इस गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव वरिष्ठ नागरिक, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा 2017 को विदा करने का और दूसरा हिस्सा 2018 का स्वागत करने का। वाह। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जाने वाले साल की, यानी कि 2017 की। 2017 में हम सब लोगों के साथ बहुत सारी घटनाएं घटी, कभी फंसे तो कभी पेट पकड़कर हंसे, कभी साथ में मिलकर किया मजा तो कभी छोटी सी गलती की भी मिली बड़ी सजा। तो आज मौका है 2017 के उन सारे पलों को याद करने का, उनसे कुछ सीख लेने का। अगर हमसे कोई दुखी हुआ है तो उसे सॉरी कहने का, किसी ने हमारी मदद की है तो उसे थैंक यू कहने का। तो आइए हम सब साथ में मिलके याद करते हैं 2017 के उन सारे पलों। शुरुआत मेरे से करते हैं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आ जा मेरी बात। आप सब जानते हैं कि मेरा स्कूटर सखाराम सिर्फ स्कूटर नहीं है, मेरे परिवार का एक सदस्य भी है। जब सखाराम की डॉन बादल के कार के साथ टक्कर हुई थी, डॉन बदल ने सखाराम को किडनैप कर लिया था, उसे उल्टा लटका दिया था। वो देखो तुम्हारा सखा। तब मेरे लिए, मेरे सखाराम के लिए पूरी सोसाइटी ने साथ मिलकर कितना बड़ा खतरा मोल लिया था। मुझे अभी भी याद है कि जेठालाल, पोपटलाल, अय्यर, आप तीनों डॉन के अड्डे पे कुल्फी वाले बन के पहुंच गए थे। कुल्फी लेना। ताजी ताजी कुल्फी घनी नरम नरम नरम, खालो ताजी ताजी कुल्फी घनी नरम नरम नरम। कुल्फी बादल भाई की कमजोरी है, हम कुल्फी वाले बनकर वहां जाएंगे और उन्हें कुल्फी खिलाएंगे। उस कुल्फी में मिलाई जाएगी बेहोशी की दवाई। आप लोग सखाराम के लिए डॉन बादल के साथ भिड़ गए, उसे टक्कर लिया और आखिर में मेरे सखाराम को वहां से छुड़वा लिया। मेरा सखा वापस आ गया,
सखा, मेरा सखाराम आ गया, मेरे सखाराम को डॉन बादल की चंगुल से छुड़ाने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओ बेटो, सखाराम अभी सिर्फ तेरे परिवार का सदस्य थोड़ी ना है, अब तो ये पूरे गोकुलधाम परिवार का सदस्य है। रोज सबको एक एक दो दो राउंड देना पड़ेगा। अरे बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम जी।